नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं। डीआरडीओ की टीम को लखनऊ भेजने का दिशा निर्देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है। डीआरडीओ की टीम 500 से लेकर 600 बेड के दो अस्पताल तैयार करेगी। कोरोना के बढ़ते केस का डीआरडीओ की टीम जायजा लेगी। दिल्ली से लखनऊ वेंटिलेटर्स भेजे जा रहे हैं। विशेष विमान से डॉक्टर्स की टीम को लखनऊ भेजा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद भी हैं, उनकी ओर से अब एक पहल की गई है। उनकी ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे जो खराब स्थिति है वो राजधानी लखनऊ की है। इसी के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ की टीम 500 से लेकर 600 बेड वाले दो अस्पताल का निर्माण करेगी, जल्द से जल्द इसको तैयार करेगी। और इसको लेकर डीआरडीओ की जो टीम है उनको विशेष विमान से लखनऊ भेजा जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम लखनऊ भेजी जा रही है। इसके साथ ही जो वेंटिलेटर्स हैं जिसकी कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गंभीर मरीजों को सबसे पहले ICU और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दो चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, इन दो चीज़ों को पूरा करने के लिए वेंटिलेटर्स को लखनऊ भेजा जा रहा है, ताकि वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो और फिर उसकी सुविधा आम लोगों को मिल पाए। जान कैसे बचे, इसको लेकर ये कवायद की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीआरडीओ की टीम दो अस्पताल बनाएगी, ये 500 से 600 बेड के अस्पताल होंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में विकास भवन में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग के 3 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के समाज कल्याण विभाग को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और वजह है यहां पर कोरोना से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। समाज कल्याण विभाग के 3 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर विकास भवन में कोरोना का कहर देखने को मिला है। समाज कल्याण विभाग में कोरोना के 3 संक्रमित सामने आए हैं। ये समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स का दौरा किया है और उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स का दौरा किया है। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। केंद्र सरकार के पास वेंटिलेटर है, कई राज्यों ने वेंटिलेटर मांगे ही नहीं है, तो ये एक बड़ी बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। उन्होंने कहा केंद्र के पास वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वेंटिलेटर्स मांगे हैं, उनको सेंटर ने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड भी कर दिए, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सेंटर से वेंटिलेटर्स मांगा ही नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स दिल्ली का दौरा किया है। We need to be very careful, and our hospital infection control team and needs to again tell all the nodal officers to be vigilant in terms of our own staff becoming positive. Our positivity rate has gone up. Yesterday, at the virology department, we are doing two tests, the virology and the CBNAT. 755 samples were done in virology by RT-PCR, 280 were positive. It's a very high number. From the emergency and other areas, 232 were done by CBNAT, 87 were positive.
So if we look at our positivity rate, which I remember again during March, used to be only 1, 2, or maximum 3%, has now close to 40%. It's around 37-38%, which means the number of patients coming both to the emergency, but even for our other procedures. RT-PCR is only for the EHS and for procedures and for interventions that we are getting them done before procedures. Even there, our positivity rate is very high. Therefore, we need to be very vigilant in terms of testing, isolating, and making sure that all infection control measures are taken, because large number of people who are coming to the hospital are testing positive. We need to. अगली खबर इटावा से है, जहां पर चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग को भारतीय जनता पार्टी के सांसद भूल गए। पूरे लाव लश्कर के साथ बीजेपी के सांसद पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग करने के नियम का पालन करना बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया भूल गए। बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना गाइडलाइंस, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश ने देश भर में हाहाकार मचा है, लेकिन ये देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव प्रचार में पंचायत चुनाव के दौरान ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें देखिए ये कई लोगों के मास्क ही नहीं है, कुछ लोगों ने मास्क लगाए हैं तो कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं, और इस तरीके से फोटो ऑफ हो रहा है, फोटो खिंचवाया जा रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है इस देश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेता हैं कि वो सुधर नहीं रहे। भीड़ इकट्ठा की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आखिरकार और कितनी घटनाएं होंगी उसके बाद ये राजनेता संभलेंगे, बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया। और जब उनसे इस मामले में सवाल पूछा गया तो बगले झांकते रहे। आखिरकार क्या एक सांसद की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जब देश प्रदेश में ये हाल हो रखा है तो आप ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से बचें। ये देखिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह केंद्र में सरकार है के आधार पर पूरे तरह का जो अधिकार संविधान में दिया है, मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि सब लोग मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाएं। सर, मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया है, लगातार कोरोना बड़े लोगों को भी हो रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण नहीं देखिए, पूरी ये महामारी है, फैल रही है, इससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी का निर्देश जारी कर दिया गया। सैनिटाइजेशन के लिए उत्तर प्रदेश में अब रविवार को बंदी होगी। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखा जाएगा। जो आवश्यक सेवाएं हैं वही सिर्फ चलेंगी। इस दौरान जितने भी बाजार हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो पूरे तरीके से बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी का निर्देश दिया गया है। रविवार के दिन पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा और उस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं उनको जरूर चालू रखने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बाकायदा वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है शनिवार रविवार के दिन, और अब एक तरीके से कहें तो ये जरूर इसे आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के चरण है। एक दिन की ये बंदी होगी। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर अब सरकार सख्त होती जा रही है। बगैर मास्क पकड़े जाने पर अब सरकार की और प्रशासन की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा, और पहली बार जो पकड़े जाएंगे उनको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
और अगर दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो आप पर 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए का आपको जुर्माना देना होगा। पहली बार जब पकड़े जाते हैं तो जुर्माना 1,000 रुपए का होगा और दूसरी बार जब आप पकड़े जाते हैं तो ये जुर्माना 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। कब सख्ती के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा चुके हैं क्योंकि स्थिति लगातार भयावह हो रही है और लोग इस बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे कि ये बेसिक सी जरूरत है कि आपको मास्क लगाना है तभी आप खुद को सुरक्षित रखेंगे और अपने परिजनों को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अभी भी आपको सड़क पर बाजारों में बगैर मास्क के लोग घूमते फिरते टहलते नजर आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। बगैर मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार जब पकड़े जाते हैं तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। रायबरेली में शारदा नहर के पास शव मिला है। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। रायबरेली में शारदा नहर के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल जैसे ही लोगों ने शव देखा लोगों ने पुलिस को सूचित किया लेकिन मौके पर जो स्थानीय पुलिस है वो नहीं पहुंची और कई दिनों से नहर के पास युवक का शव पड़ा हुआ है। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र के बालापुर गांव का ये मामला है जहां पर एक शव कई दिनों से पड़ा है। स्थानीय पुलिस को सूचित भी किया गया लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शव को अभी तक रिकवर नहीं किया है और इसे अभी तक पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बड़ी सख्ती की जा रही है। बगैर मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पहली बार जब आप बगैर मास्क के पकड़े जाएंगे तो आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए ज्यादा जुर्माना देना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने इसको लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। हरदोई के मतदान केंद्र पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। मतदान केंद्र पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। तो हरदोई के मतदान केंद्र पर खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान जो उपद्रवी थे उन्होंने मत पेटियों पर पानी डाल दिया। हरदोई के बूथ संख्या 87 का यह मामला है जहां पर उपद्रवियों ने मतदान केंद्र पर कब्जा किया और बूथ में जो मतपेटियां रखी गई थी उन मतपेटियों में पानी डाल दिया। यहां पर जमकर बवाल हुआ जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में एएसपी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से जब तकरीबन आधा दर्जन राउंड की फायरिंग हुई है हवाई फायरिंग हुई उसके बाद जाकर स्थिति काबू में पाई गई है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अतरजी मतदान केंद्र का यह मामला है जहां पर यह पूरा बवाल हुआ है। जितना अंदर मताधिकार आदमी करवाता है वो बैठे हुए हैं, दूसरे को नहीं डाले। केवल गुपलापुर वाला केवल श्री कृष्ण सरकारी आदमी भी है, एजेंट भी है और सर लड़ भी रहा है। फर्जी लगा दे उसी बक्से में पानी डाल के। किसने डाला बक्सियों में पानी? श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं सारे सारे डाला है पानी। हाँ आप कौन है? हुआ था वही तो बवाल हुआ वही उसी में ईटा पत्थर चलने लगा। पहले पता ना हम लोगों को आने से पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब हम लोग आए हैं बस तुरंत वही को पकड़ा गया तो उसी पर फिर ईटा पत्थर चलना शुरू हो गया। हाथरस में ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ कर दी। थाने पर जमकर पत्थरबाजी की है ग्रामीणों ने। इस दौरान कुर्सी मेज टेबल जितने भी सामान रखे गए थे उनको तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि 400 के करीब
ग्रामीणों की संख्या थी जो थाने पहुंचे और उसके बाद थाने में जमकर बवाल हुआ है। भीड़ जब थाने पहुंची तो थाने में मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरीके से जान बचाकर भागे। हालांकि वहां पर जो फायर ब्रिगेड कर्मी मौजूद थे उनको ग्रामीणों ने पीटा है। ग्रामीणों की पिटाई से फायर ब्रिगेड कर्मी का सिर फट गया। हालांकि बाद में कई थानों के फोर्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था और थाने में उस युवक की जमकर पिटाई की गई थी। पंचायत चुनाव में बूथ पर युवक जब पहुंचा था तो वहां पर पुलिस ने युवक को उठाया था और उसे थाने ले जाकर जमकर पीटा था। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने थाने पर धावा बोला और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। नोएडा में युवकों के फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अवैध हथियार के साथ युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दो युवक नजर आ रहे हैं जो अवैध असलहे के साथ फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र का है और जो युवक इसमें नजर आ रहा है उसका नाम कौशिंदर बताया जा रहा है। हरदोई में प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कई लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया। फिलहाल मौके पर पीएसी को तैनात किया गया है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अकोडा गांव की घटना है जहां पर यह बवाल हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियातन पीएसी को मौके पर तैनात कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में चौकी इंचार्ज का मानवीय चेहरा नजर आया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान चौकी इंचार्ज ने एक महिला की मदद की। चौकी इंचार्ज ने ऑटो को बुलावाया और महिला को घर तक छुड़वाया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान वाहन नहीं मिलने से एक महिला काफी परेशान थी और इस दौरान जो चौकी इंचार्ज थे उस तक महिला पहुंची। उसके बाद एक ऑटो को चौकी इंचार्ज ने बुलवाया और रात के वक्त ही महिला को उनके घर तक ड्रॉप करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।